अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं हमने चीज़ ब्रेड चीज़ बॉल, जिसके लिए हमें चाहिए, हमने ये 10 ब्रेड लिए हैं। आप चाहे तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा ब्रेड ले सकते हैं। तो ये 10 ब्रेड लिए हमने, इसके चारों तरफ से इसको हम काट लेंगे, इसकी कोर निकाल लेंगे। तो इसके हिसाब से हमने मटेरियल लिया है, हमें बटर लगेगा। तो हमने छोटे 2 इस टाइप के क्यूब्स लिए हैं बटर के, और चीज़ लिया है हमने, जो हम बाद में इसे अंदर एक एक ब्रेड के हिसाब से हम एक एक बॉल्स बनेंगे, तो उसमें हम ये एक चीज़ का एक पीस डालेंगे। और काली मिर्ची नमक लगेगा हमें, और एक हमने इस साइज़ की शिमला मिर्ची ली है, इसे बारीक इस तरह से चॉप कर दिया है। और हमने 150 ग्राम आलू को बॉईल करके इसे रफली मोटा मोटा इस तरह से इसे मोटा मोटा हमने इसे मैश कर लिया है। और पनीर हमने 100 ग्राम पनीर लिया था, उसको भी हमने मिक्सर में पीस लिया है। देखिए, इसे हमने पनीर को इस तरह से पीस लिया है। और मैदा हमने 3 टेबलस्पून लिया है मैदा, हमें जितना लगेगा हम उतना ही डालेंगे। तो हम वाइट सॉस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये बटर और मैदा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ब्रेड के ये कोर को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम ये शिमला मिर्ची और पनीर को बघारेंगे, फिर वाइट सॉस बनेंगे। तो चलिए, हम ब्रेड के ये जो कोर है ये निकाल लेंगे इसके इस तरह से। बस हमें हल्का सा ही निकालना है इसे, बाद में हम इसे फ्राई करेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमने इस तरह से के कोर निकाल लिए हैं। इसी तरह हम पूरे ब्रेड के चारों तरफ से कोर को निकाल लेंगे। तो चलिए, हम शिमला मिर्ची और पनीर को बघारेंगे। इसके लिए हमने एक नॉनस्टिक का पैन लिया, क्योंकि इससे पनीर नहीं चिपकेगा नॉनस्टिक के पैन से। सबसे पहले हम ये शिमला मिर्ची डाल लेंगे इसको। तो इसे हमें 2-3 मिनट ही पकाना है। इसमें हम ये काली मिर्ची और नमक डालेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून से भी कम डालेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा शक्कर डालें, क्योंकि हम वाइट सॉस में भी डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता है, बिल्कुल फीका फीका रहता है ये, क्योंकि हम वाइट चीज़ बॉल बना रहे हैं। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। बिल्कुल हमने 1/4 टीस्पून उसमें काली मिर्ची डाली। हमने इसमें अब पनीर भी डाल दिया है। अब इसे भी हल्का सा बस 1 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बस इसे हमें हल्का सा भूनना है। थोड़ा नमक हमें कम लग रहा है, तो हम थोड़ा और इसमें नमक डाल रहे हैं। आप भी आपके हिसाब से चक्कर नमक डालें, नमक और काली मिर्ची आप चक्कर डालें आपके हिसाब से। इसे और एक मिनट और पकने देंगे, इसे निकाल लेंगे। बस हम गैस को बुझा देंगे, क्योंकि हमें शिमला मिर्ची गिरी नहीं रहने देना है, इसे लाइट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। तो चलिए, इसे हम निकाल लेंगे। चलिए, अब हम वाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 पीस ही लिया है बटर का, अगर हमें लगेगा तो हम और डालेंगे। इसमें हम ये 3 टेबलस्पून उसमें मैदा डालेंगे इस तरह से। ये 3 टेबलस्पून उतना मैदा था, ये इसे हमने डाल दिया। इसमें दूध डालेंगे, सॉरी हम दूध बताना भूल गए थे, वाइट सॉस में दूध डालते हैं। तो अब हम इसमें 1 कप उतना दूध डालें, 1 कप से कम थोड़ा, 1/2 कप दूध डालें। हमें इसमें जल्दी जल्दी चमचा हिलाना है। ये हम इतना 1 कप भर के दूध डाल रहे हैं। ये टोटल 100 ग्राम दूध है, ये छोटे कप के हिसाब से लिया हमने ये। अगर हमें लगेगा तो हम और डालेंगे। पहले हम ये 100 ग्राम उतना 1/2 कप उतना दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम 1/2 कप दूध इसमें और डाल देंगे। टोटल हमने इसमें 1 कप दूध डाल दिया, 1 कप उतना दूध डाल रहे हैं हम।
अच्छे से इसे मिक्स कर लेना। हमने बाद में इस टाइप का चमचा लिया है, इसे फौरी हिलाना पड़ता है नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो चलिए अब इसमें हम नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है क्योंकि हम ये अंदर ब्रेड में भर रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ा थिक ही रहने देना है। तो चलिए इसमें शिमला मिर्ची डाल देंगे, फिर इसके बाद इसमें आलू भी डाल देंगे। ये आलू भी डाल देंगे हम इसमें, तो रखा था हमने ये आलू, इसमें डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता चमचे की मदद से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से सबको मिक्स करके पका लेंगे, 2-3 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें। हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश मलाई डालेंगे, थोड़ी सी फ्रेश मलाई है हमारे पास वो डाल देंगे। और अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डालेंगे। बिल्कुल 1 टेबलस्पून इतनी फ्रेश मलाई डाल रहे हैं हम। और आप नमक फिर चक्कर आप आपके हिसाब से डालें, थोड़ी सी और काली मिर्च कम लग रही है हमें और डाल देंगे। जो बाकी का बटर था हमने वो भी डाल दिया उसमें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक और पकने देंगे, फिर हम बाद में इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। फिर हम ब्रेड को भिगाकर हल्का सा भिगाकर उसको उसके बॉल बनेंगे। चलिए ये अब अच्छे से पक गया हमारा, इसे अब हम निकाल लेंगे। हमने इस तरह से एक प्लेट में, ये छोटी सी प्लेट में पानी लिया है, बस इसे हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। हम थोड़ा सा पानी में नमक मिला रहे हैं क्योंकि ब्रेड में नमक नहीं होता है तो फीके फीके अच्छे नहीं लगते ब्रेड, तो इसलिए थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। इस पर हमने हल्का हल्का सा चारों तरफ से इस तरह से पानी लगा दिया है, बस इसे हम हल्का सा इस तरह से बेल लेंगे। ये लीजिए देखिए, इस तरह से हमने इसे बेल कर इतना थोड़ा बड़े साइज का हो गया है ये। अब इसमें हम ये मटेरियल भर लें, थोड़ा इसे ठंडा होने दे, रूम टेम्परेचर पे रख के इसे थोड़ा ठंडा करें। बस 1 टेबलस्पून उतना ही भरेंगे हम। और ये इस तरह से एक चीज़ का पीस इसमें ये इस तरह से रख देंगे। इसको चारों तरफ से इस तरह से आप ये पानी लगाएं ताकि ये हमारे बॉल अच्छे से ब्रेड हमारे चिपक जाए, ये इस तरह से गोल। थोड़े से इसे और हम पानी से अच्छे से भिगा देंगे इस तरह से। थोड़ा सा हमने इसे हल्का सा इस तरह से पानी में डिप किया है, अब इसे इस तरह से गोल कर देंगे इस तरह से। देखिए ये अच्छे से गोल बन गए हैं। तो इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। एक बार और बता देते हैं हम आपको और दूसरा तरीका भी बताते हैं। इसे हल्का सा इस तरह से डिप करें और इसे बेलन की मदद से बेल लें। ये देखिए हमने इसे बेल लिया है, अब इसके अंदर हम ये मटेरियल डालेंगे। इसको भी इसी तरह से हमने एक चीज़ रख दिया है इसमें, इस तरह से इसे गोल करते हुए इस तरह से इसे बॉल्स की तरह बना, इसे भी इस तरह से डीप करके और अच्छे से इसे हम, ताकि हमारे फ्राई करते वक्त खुले ना, इसलिए हम इसे अच्छे से बंद करेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम पूरे बॉल बना देंगे और अब इसे फ्राई करेंगे। ये हमने एक पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम ये बॉल डाल देंगे। इसे थोड़ी स्लो आंच पे हमने से 2-3 मिनट तक ही फ्राई होने देना है, गोल्डन होने तक ही फ्राई होने देना है। देखिए हमारे
अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम ये पूरे एक के बाद एक इस तरह से हम बॉल पूरे एक के बाद एक तल लेंगे। तो लीजिए हमारे ये चीज़ बॉल तैयार है, जिसे हमने 3-4 मिनट ही फ्राई किया था। आप चाहे तो इसे एक दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये रमज़ानों में इफ्तार के टाइम पर आप अगर आपको तलना है तो आप एक दिन पहले फ्रिज में इसे इसके बॉल बना के रख दे सकते हैं। तो आपको हम बताते हैं, इसको काट कर बताते हैं हम आपको। इस तरह से हम इसे काटेंगे। देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं। देखिए ये हमारे अंदर से वाइट और एकदम सॉफ्ट तले गए हैं। तो आप इसे रमज़ानों में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।